अब हम लोग अट्ठे मटन का मजा लेने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे पास में, मेरे सामने देख सकते हैं, ये मटन का प्लेट है। टेस्टी है भाग ये मटन का, हम मजा ले रहे हैं। और इस तरह का मटन आपको नवादा में तो कोई खिला ही नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अवधेश कुमार और मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं अपने शहर नवादा में हूँ और मैं जिस एग्जैक्ट लोकेशन पर हूँ, आप देख सकते हैं अट्ठे मटन का ये शॉप है। और ये जो है मनोरंजन जी इस होटल के मालिक है। और मैं आपको इस अट्ठे मटन का शॉप को अंदर दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो पे लगातार बने रहिए और मैं इस होटल के मालिक को आपको रूबरू करवाने के लिए जा रहा हूँ। मनोरंजन जी है और हमारे पार्टनर उपेंद्र जी, और इनके जो पार्टनर है उपेंद्र जी, है ना जी, जी। चलिए मनोरंजन जी, बताइए कस्टमर को आप क्या सेवा देते हैं यहाँ? देखिए, यहाँ नॉनवेज का एक बहुत बढ़िया हम प्रतिष्ठान खोले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिहार में कैमरा देखें सभी जगह अवेलेबल नहीं है अभी, खास करके ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में हम पहली बार लाए हैं। अच्छा। और हम दोनों का प्लानिंग काफ़ी सालों से चल रहा था, मगर हम लोग को लोकेशन कहीं नहीं मिल पा रहा था नवादा में। और ये देखिए बढ़िया लोकेशन भी मिल गया है, एरिया भी बहुत बढ़िया जगह है ये। और रामनगर नवादा, भारत गैस एजेंसी के बगल में, ब्लॉक नियर ब्लॉक कॉलोनी, नियर ब्लॉक कॉलोनी। और बहुत अच्छा लोकेशन है, यहाँ आ सकते हैं, ये इधर बगल में ही संकट मोचन का रास्ता है। देखिए, चलिए, और देखिए बटर भी है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे। और बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा किचन है, देख सकते हैं यहाँ पे। और अच्छा अच्छा ये अमूल बटर भी डालते हैं ना? हाँ, अमूल बटर भी डालते हैं। अच्छा अच्छा, ये अदरक है, अच्छा ये हरी मिर्च, लाल मिर्च का उपयोग नहीं करते हैं? नहीं, लाल मिर्च का उपयोग नहीं होता। अच्छा, लाल मिर्च का उपयोग नहीं होता यहाँ पे, ऑर्गेनिक कूटा हुआ मसाला। ये देखिए प्याज है, ये देखिए ग्राइंडर मशीन, चलिए ये सब देखिए ऑर्गेनिक कूटा हुआ मसाला, देख सकते हैं। और प्लेट में ही खिलाते हैं, ये पत्तल जिसको बोलते हैं, वीडियो में लग रहा है छोटा, ऐसे बहुत सारा मटन है ना। वाह, लेटेस्ट है ना, अमूल का है, अमूल का है, आप देख सकते हैं इसमें पीला कलर भी है, दिखाते हैं आपको, देखिए ये देखिए प्योर अमूल का है, अमूल का। और शुद्धता का गारंटी हम देते हैं। पहले तो मेरे बोलने से नहीं होगा, आप पहले टेस्ट कीजिए एक बार आकर हमारे होटल में, एक बार मौका दीजिए, सेवा दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हम सारे कस्टमर को बोलते हैं, हमारे जितने भी हैं और जो नहीं भी जानते हैं, एक बार प्लीज इस अट्ठे मटन शॉप में आइए, शॉप में आइए, अगर मैं अट्ठे मटन का मजा लेंगे। लोग यहाँ काफ़ी आ रहे हैं और अट्ठे मटन का आनंद ले रहे हैं। अब हम लोग अट्ठे मटन का मजा लेने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे पास में, मेरे सामने देख सकते हैं, ये मटन का प्लेट है और मैं इसका मजा लेने जा रहा हूँ। काफ़ी टेस्टी है भाग ये मटन का, हम मजा ले रहे हैं। और इस तरह का मटन आपको नवादा में तो कोई खिला ही नहीं सकता, और इतना स्वादिष्ट है कि मैं बार बार इस मटन का आदि बन जाऊंगा अगर इस तरह का मटन मुझे प्रोवाइड किया गया इस होटल के मालिक मनोरंजन जी की तरफ से। तो मैं इस मटन को तो करीब करीब एवरी डे रहे, तो संडे को तो इस होटल में मुझे आना ही पड़ जाएगा, इतना अच्छा लग रहा है इस मटन का स्वाद। अब हम यहाँ का जो मटन और चावल खा चुके हैं, और काफ़ी यहाँ का मटन चावल जो था टेस्टी बना हुआ था। और मैं आपको बनाने वाले उस कारीगर से मिलाने जा रहा हूँ जो झारखंड के देवघर से हैं। तो ऐसा बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय शर्मा। ओ, कहाँ से आए हुए आप? मेरा घर देवघर है।
देवघर से आए हुए हैं। देवघर से आए। इसमें क्या आप करते हैं जो इतना जो मटन का स्वाद काफी जो अच्छा लगा मुझे खा के। मैं इस तरह का बहुत बार मटन खाया हुआ बट इस तरह का मटन मुझे पहली बार खाने के लिए मिला है। तो आपका जो है हाथ में कौन सा जादू है या कौन सा कला है जो आप इस तरह का जो मटन बनाते हैं। आपका मटन खा के तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस तो आपका मटन का आदि हो चुका हूँ। तो आप कैसे करके इसको बनाते हैं? देखिए सबसे पहले तो इसमें शुद्ध देसी घी से लोग इसको बनाते हैं मटन को। शुद्ध देसी घी से? हाँ, पानी का मात्रा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब प्याज से प्याज का मिश्रण होता है और जो भी हमारे यहाँ मसाला है बिल्कुल तो हम लोग पाउच का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गोटा मसाला को खुद से कूट कर डालते हैं ना। और सूखा मिर्च नहीं डालते हैं, जो भी डालते हैं हरा मिर्च। हरा मिर्च डालते हैं। हरा मिर्च तो सेहत के लिए अच्छा ही है। हम लोग विशेष करके ध्यान देते हैं इसमें जो हम लोग का मटन शुद्ध देसी घी में ही बनाया जाता है। शुद्ध देसी घी में इसका स्वाद में आपको। और क्या इसको हम बताया आपके होटल मालिक से बात किए तो बताया कि इसको स्टीम करके बनाया जाता है। तो कैसे आप इसको स्टीम करते हैं? स्टीम करने का ये हुआ कि इसको पहले तो हम लोग बर्तन में घी डाल करके बिल्कुल फिर उसके बाद मटन को फ्राई करते हैं। फ्राई करके ब्राउन करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको प्याज डाल करके प्याज को पूरा अच्छी तरह से घी में भूनते हुए लगाते हैं बिल्कुल